ब्रेक बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। लंदन ब्रिज पर हुए हमले में आतंकी उस्मान के मारे जाने के बाद कई साजिशों का खुलासा हुआ और जांच के दौरान पता चला कि मारा गया आतंकी उस्मान भारत के खिलाफ कश्मीर में आतंकी कैंपों को चलाने के लिए पैसा जुटा रहा था। खैर आतंकी तो मारा गया, लेकिन क्या आपको पता है कि इस आतंकी हमले से निपटने के लिए ब्रिटिश पुलिस की जो टीम काम कर रही थी उसको लीड करने वाला एक भारतीय था। जी हाँ, नील बासु। भारतीय मूल के नील बासु ने ही उस आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाया। जहां एक तरफ पाकिस्तानी मूल का आतंकी था, वहीं दूसरी तरफ उससे मोर्चा लेने वाला एक भारतीय। हालांकि आतंकी की इस हरकत ने पाकिस्तान की ब्रिटेन में भारी बेइज्जती करवाई, वहीं नील बासु के काम ने भारत का नाम एक बार फिर बुलंद किया। भारतीय मूल के नील बासु की आज सोशल मीडिया पर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। एक भारतीय होने के नाते उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। बताते चले कि नील बासु उस टीम का हिस्सा है जो आतंकवादी दस्ते के खिलाफ अभियानों को अंजाम देती है। नील बासु स्कॉटलैंड यार्ड के काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं। उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर का पद मिला हुआ है। ब्रिटेन की पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है। ब्रिटेन में 2019 के सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों की सूची में मेट्रोपॉलिटन पुलिस के आतंकवाद निरोधक प्रमुख नील बासु को शामिल किया गया था। लंदन ब्रिज पर हुए इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले उस्मान खान ने शुक्रवार को लंदन ब्रिज पर चाकू से लगभग 5 लोगों पर हमला किया था, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही ब्रिटेन की एंटी टेरर पुलिस वहां पहुंच गई और 5 मिनट में ही उसे ढेर कर दिया। उस्मान खान पाकिस्तानी मूल का नागरिक है। उसने अपना बचपन पाकिस्तान में बिताया था, जहां वो अपनी मां के साथ रहता था। उस्मान खान आतंकवाद के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। इस वक्त वो पेरोल पर बाहर था। उस्मान खान जनवरी 2012 में इंग्लैंड के आतंकवाद अधिनियम 2006 के तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया गया था। उस पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाने की कोशिश का दोष सिद्ध हुआ था। उस्मान खान लंदन में भी मुंबई जैसा आतंकी हमला करना चाहता था। इसके लिए वो लगातार ट्रेनिंग ले रहा था। यही नहीं, उसकी मंशा पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित करने की थी, जिसके लिए वो लगातार फंड भी जुटा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।